क्लास थर्ड, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 ऑफ SST सोशल स्टडी, चैप्टर नेम और कंट्री। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सातवां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया इज आल्सो कॉल्ड भारत। इंडिया को भारत के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाई हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ एंड एज बाई इंडलेस स्ट्रेच ऑफ वास्ट बीच्स थ्रो आउट इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स। और ये जो है इसके नॉर्थ में हिमालय है और इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। वी मस्ट नो अबाउट आवर कंट्री, हमें अपने देश के बारे में अवश्य जानना चाहिए। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द स्लोगन्स भारत माता की जय और जय हिंद। आपने ये स्लोगन या ये नारा अवश्य सुना होगा, भारत माता की जय या जय हिंद। वेयर एंड व्हेन डिड यू हियर ऑफ दिस स्लोगन्स, ये स्लोगन या ये नारा आपने कहाँ सुना है। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट आवर लैंड, इस चैप्टर में हम अपने भूमि के बारे में जानेंगे। लुक एट द मैप, मैप में देखो, दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप क्या होता है? ए फिजिकल मैप शोज माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स एंड रिवर्स एट्सेट्रा। फिजिकल मैप उस मैप को कहते हैं जिस मैप में हम माउंटेन्स प्लेट्यू और मैदानी इलाका और नदियों को हम शो करते हैं। लुक एट द ब्राउन कलर, दिस कलर शोज द माउंटेन। ब्राउन कलर को देखो, इससे माउंटेन शो किया गया है। आप मैप में देखो तो इससे माउंटेन को शो किया गया है। द येलो कलर शोज द डेजर्ट, और जो येलो कलर है वो डेजर्ट का एरिया है, यानी कि रेगिस्तान का एरिया है। ऑरेंज कलर शोज द प्लेटू, और जो ऑरेंज कलर है वो प्लेटू को शोज किया गया है। द ग्रीन कलर शोज द प्लेन्स, और ग्रीन कलर जो है वो मैदानी इलाका है। द लाइज इन ब्लू कलर्स आर द रिवर्स, और ब्लू कलर्स जो है वो रिवर्स है। मेजर लैंड फॉर्म्स द माउंटेन्स, हैव यू एवर सीन ए माउंटेन, दिस इज पिक्चर ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन की पिक्चर है। द हिमालयाज, इसको हिमालयाज नाम से जानते हैं। द माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड्स विद द पॉइंटेड टॉप्स, माउंटेन बहुत ऊंचे लैंड होते हैं और ये टॉप पे दिखाई पड़ेंगे आपको, टॉप की तरह ऊंचाई इसकी दिखाई पड़ेगी। वी हैव द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हमारे पास नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं। दीज आर वेरी हाई माउंटेन्स, और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दीज इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। इट इज 8848 मीटर हाई एंड इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, और ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व की सबसे ऊंचा माउंटेन है। द प्लेन्स, वेयर डू यू प्ले इन द स्कूल, आप स्कूल में कहाँ खेलते हो, इज योर आंसर इन द प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान में खेलते हैं। द प्ले ग्राउंड इज ए फ्लैट एंड लेवल लैंड, प्ले ग्राउंड जो होता है, खेल का जो मैदान होता है वो समतल होता है और लेवल का होता है। द लार्ज फ्लैट एंड लेवल एरियाज ऑफ ए स्टेट और कंट्री इज कॉल्ड ए प्लेन, जो बड़े बड़े मैदान होते हैं किसी स्टेट या कंट्री में उसको प्लेन कहा जाता है। इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया द ग्रीन कलर एंड ब्लू लाइन्स टू द साउथ ऑफ हिमालयाज आर नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का फिजिकल मैप देखो तो उसमें जो ग्रीन कलर और ब्लू लाइंस है साउथ में हिमालयाज और नॉर्थन प्लेन को बताता है। द मेन रिवर्स ऑफ दीज प्लेन्स आर सतलज
द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। और इस जो मैदानी इलाका है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वह हैं सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। सी दीज रिवर्स इन मैप, इन नदियों को आप मैप में देखो। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड आर एक्सेलेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये जो मैदानी इलाके हैं ये बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपजाऊ और अच्छी भूमि है। दीज आर मेड ऑफ सॉयल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्लोइंग थ्रू देम। और ये जो यहाँ की मिट्टी है ये नदियाँ अपने साथ बहा करके लेके आई हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्लेट्यू। द पिक्चर गिवन बिलो इज दैट ऑफ ए प्लेट्यू। नीचे प्लेट्यू का पिक्चर दिया गया है। इट इज़ फ्लैट लाइक ए प्लेन। ये फ्लैट होता है, समतल होता है प्लेन की तरह, बट इज हायर देन ए प्लेन, लेकिन ये प्लेन की अपेक्षा ऊंचाई पर होता है। ऊंचाई पर जो है ये फ्लैट होता है, यानी कि समतल होता है। दे आर वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड ऑन द टॉप ऑफ हिल्स। और ये बहुत बड़ा एरिया होता है, उस हिल के टॉप्स पर जो ऊंचाई होती है, पहाड़ों के ऊंचाई पर समतल एरिया होता है, इसको प्लेटू कहा जाता है। द ऑरेंज कलर इन द फिजिकल मैप शोज द डेक्कन प्लेटू। और जो मैप में ऑरेंज कलर दिया गया है वो डेक्कन प्लेटू के बारे में बताया गया है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व तो बहुत सारे पाए जाते हैं। द शेप ऑफ दिस प्लेटू इज़ ट्रेंगुलर। डेक्कन प्लेटू का जो शेप है वो त्रिभुजाकार है। द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस एरियाज। और यहाँ का जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ महानदी पाई जाती है, मीन्स प्लेटू में, ये डेक्कन प्लेटू के पास, यहाँ पे गोदावरी पाई जाती है, महानदी पाई जाती है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी यहाँ पे पाई जाती है। द प्लेटू ऑफ तिब्बत इज हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। और तिब्बत का जो प्लेटू है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। इट इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसे पूरे वर्ल्ड की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डेजर्ट। द डेजर्ट आर शोन इन येलो कलर। डेजर्ट को मैप में पीले कलर में दिखाया गया है। डेजर्ट्स आर सैंडी एरिया। डेजर्ट जो है जो बालू का एरिया होता है, रेगिस्तान, जिसको डेजर्ट माने रेगिस्तान होता है। देयर इज़ ए नो वाटर और वेरी लिटिल वाटर इन दीज एरिया। तो डेजर्ट एरिया जो होता है, रेगिस्तानी एरिया जो होता है, यहाँ पे पानी नहीं होता है, या पानी कहीं थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम होता है। दे गेट स्कैंटी रेनफॉल। और यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है। द कैमल इज़ द मेन एनिमल ऑफ द डेजर्ट। और कैमल यहाँ का डेजर्ट एरिया का, रेगिस्तानी एरिया का मुख्य पशु माना जाता है। द ओनली डेजर्ट इन इंडिया, द थार डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। इंडिया में एकमात्र डेजर्ट है जिसको कि थार डेजर्ट कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। द कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग है द कोस्टल प्लेन। लुक एट द ग्रीन कलर एरियाज अलोंग द अरबियन सी एंड द वे ऑफ बंगाल। आप ग्रीन कलर देखो अरबियन सी के पास और वे ऑफ बंगाल के पास। दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रेस्पेक्टिवली। इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है द आइलैंड्स। द आइलैंड्स आर लैंड मासेस कवर्ड बाई वाटर ऑन ऑल इट्स साइड। आइलैंड जो होता है ये एक ऐसा लैंड मास है, एक ऐसा जमीनी एरिया है जहाँ पे इसके सभी तरफ पानी पाया जाता है, बीच में जमीन होती है। सी द आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरबियन सी इन द अबव मैप। मैप में आप अरबियन सी में लक्षद्वीप यहाँ पे आइलैंड पाया जाता है। अरबियन सी में अगर आप देखिए तो लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है। दीज आर द लक्षद्वीप आइलैंड। द आइलैंड इन द वे ऑफ बंगाल आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जो वे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड पाया जाता है उसको अंडमान और निकोबार आइलैंड कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर फाइव और कंट्री खत्म हुआ, समाप्त हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।